Hello friends, it's time to learn a new topic, that is renting an apartment. How we can rent an apartment. Now we are going to learn one practical usage, that is like if you go to a property dealer or any builder or any landlord, that is Makan Malik, how would you just ask for that? Not only that, I'll teach you one very important usage, that is the use of has and have. Ke, mere paas hai, yes I have, but nahi hai, toh I don't have. Likewise, if you're asking to the other person, like, does he have any house on rent? No, he doesn't have. Yes, he has. So, ye kuch cheeze hain jo aaj hum seekhenge. Does he have? Does she have? Does it have? Like that. And you have to practice a lot with this activity, renting an apartment. Now we have to see this. Now apartment is in India we call apartment is like apartment which has the building which has lots of flats, but apartment in UK and USA is also a flat. So aap yahan pe I want to rent an apartment or I want to rent a flat, you can say like that, it's up to you. So I would like to teach you the grammar topic through reading. I don't want to give you the explanation here. मैं यहाँ पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सिंपली हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, थ्रू दैट वी विल लर्न इट. नाउ लेट्स सी दिस. सपोज यू गो टू अ बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर टू रेंट अ हाउस. सो जनरली व्हाट विल यू आस्क? आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या इसमें ये चीज़ें हैं या नहीं, क्या इसमें डबल लाइक क्या इसमें दो बेडरूम्स हैं, क्या इसमें दो बाथरूम्स हैं, या फिर क्या इसमें मॉड्यूलर किचन है, जैसे ये इसको मॉड्यूलर किचन कहते हैं जिसमें सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से बना होता है. दैट तो हाउ विल यू आस्क दैट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन के आई हैव, आई डोंट हैव, डज ही हैव, लाइक दैट. अब यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखेंगे, डज इट हैव अ मॉड्यूलर किचन. इट हमने यूज़ किया है यहाँ पे हाउस के लिए, उन्होंने कहा कि यस हमारे पास एक घर है, तो आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि क्या उसमें ये चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, डज इट हैव अ मॉड्यूलर किचन? नो इट डजंट हैव. नाउ दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न. डज इट हैव अ कोर्टयार्ड? यस इट हैज़. सो इट हैज़, यस उसमें है, और नहीं है तो इट डजंट हैव. इट हैज़न्ट नहीं कहना है आपको, यू हैव टू से इट हैज़ और इट डजंट हैव. Now, does it have an AC? क्या उसमें AC भी है? No, it doesn't have, but I'll have it installed or I'll get it installed. अब ये जो यूसेज है ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि मैं ये करवा दूंगा. जो प्रॉपर्टी डीलर है वो खुद तो AC इंस्टॉल नहीं कराएगा, AC नहीं लगवाएगा, आपके घर में लगाएगा, खुद लगवाएगा. सो फॉर दिस लगवाना वी यूज़ दिस गेट और हैव. आप इसमें से कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, दैट आई हैव इट इंस्टॉल्ड और आई गेट इट इंस्टॉल्ड. So this thing you have to see, that does it have an AC, does it have two balconies or does it have, so it hum use kar rahe hain yahan pe house ke liye. Likewise, is there any grocery store nearby? Ek aur cheez aapko seekhni hai wo hai there is and there are. Lekin jab hum question poochte hain ki kya wahan pe koi grocery store hai, koi kirane ki dukaan hai, to is there any grocery store, aap directly ye nahi kahoge ki any grocery store there. आपको कहना है इज़ देयर एनी ग्रॉसरी स्टोर, आर देयर मैनी शॉप्स, लाइक दैट. अगर एक से ज़्यादा है तो आर यूज़ करना है. येस देयर इज़ अ ग्रॉसरी स्टोर, येस देयर आर मैनी शॉप्स, लाइक दैट. सो देयर इज़, देयर आर, उसको यूज़ करना है. और क्वेश्चंस में आप यूज़ करोगे इज़ देयर और आर देयर, लाइक दैट. देयर आर थ्री फ्लोर्स इन द रूम, देयर आर थ्री बेडरूम्स, देयर आर टू बैल्कनीज, लाइक दैट. तो जब आप हाउस की एक्सप्लेनेशन दोगे, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन बताओगे, तो आपको बताना है कि भाई देर आर टू विंडोज, देर आर टू डोर्स, एंड देर इज़ यू नो लॉट ऑफ फर्नीचर इन द हाउस, लाइक दैट. तो वहाँ पे फर्नीचर है तो अ लॉट ऑफ फर्नीचर नहीं, देर इज़ अ लॉट ऑफ फर्नीचर, यू विल से लाइक दैट. अब एक और रीडिंग पैसेज देखेंगे हम. गो टू द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक. And ask for a rented house. So you have to ask for a rented house here. Read the following conversations to learn how to rent an apartment. तो आज हम सबसे important एक और जो topic है वो सीखेंगे, that is कैसे हम apartment किराए पर ले सकते हैं और like that. तो I'm giving you a reading passage here. It's a conversation between two people. तो try to pick up some hints from here. Now Marian, it's a name. Hello, I'm calling about an apartment. I'd like to rent a furnished two-bedroom place.
सो मैं एक टू बेडरूम प्लेस खरीदना चाहता हूँ या फिर मैं किराए पे लेना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू रेंट या फिर आईड लाइक टू रेंट. अगर आपको खरीदना है तो आप कहोगे आईड लाइक टू बाय. दैट्स इट. डीलर, यस वी हैव गॉट वन फर्निश्ड अपार्टमेंट लेफ्ट, एक बचा हुआ है हमारे पास. इट्स एयर कंडीशन एंड रेंट्स फॉर 575 डॉलर पर मंथ. अब यहाँ पे डॉलर है, आप इसको यहाँ पे रुपीज़ भी कर सकते हो कि 10,000 पर मंथ और 4,000 पर मंथ लाइक दैट. मैरियन, आर द यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड? यूटिलिटीज़ मतलब जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या उसमें इंक्लूडेड है? रेंट में ही आपने उसको इंक्लूड किया हुआ है, जैसे वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. डीलर, द वाटर इज़ बट नॉट द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. पानी उसमें इंक्लूडेड है लेकिन गैस और इलेक्ट्रिसिटी उसमें इंक्लूड नहीं है. उसी तरह से मैरिन, दैट्स अ लिटिल मोर देन आई वॉन्टेड टू पे, थैंक्स एनी वे. तो ये आपके बजट से बाहर है, तो थैंक्स एनी वे. आपने थैंक्स कह के कॉल डिसकनेक्ट कर दिया. अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो रादर अपार्टमेंट इन योर रेंज. अब आप दूसरे डीलर को कॉल कर रहे हो. डीलर, हेलो, ब्रीथवे अपार्टमेंट, हाउ मे आई हेल्प यू? मैरियन, डू यू हैव अ फर्निश्ड टू बेडरूम अपार्टमेंट इन दी $400 रेंज? डीलर, वेल यस यू आर इन लक, वन जस्ट केम ओपन टुडे, एक बिल्कुल अभी अभी आया है. तो इट गोज फॉर $450 पर मंथ. तो जो प्रीवियस वन था दैट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, दैट वॉज 575 एंड दिस वन इज $450. इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर? इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर. इट्स वेरी क्लोज टू आवर स्विमिंग पूल. शेल आई होल्ड इट फॉर यू? सो एज अ डीलर यू हैव टू टॉक लाइक दैट. शेल आई होल्ड इट फॉर यू एज सुन एज, सॉरी, शेल आई होल्ड इट फॉर यू? यस, आई नीड 1 month's रेंट एज अ डिपॉजिट एज सुन एज पॉसिबल. तो एज अ डीलर आपको कहना है कि मुझे 1 महीने का रेंट चाहिए जितना जल्दी हो सके. और मैरियन, यस प्लीज़ डू, आई बी राइट ओवर. आई बी राइट ओवर मतलब मैं बस अभी आता हूँ, प्लीज़ आप उसको कर दीजिए. सो प्लीज़ डू लाइक दैट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्पीक टू योर डीलर और एनी अदर यू नो पर्सन हु हैज़ हु ओन्स अ हाउस लाइक दैट. तो आपको कुछ ये क्वेश्चन पूछने हैं, आई वुड लाइक टू रेंट एन अपार्टमेंट, आई वुड लाइक टू बाई, एंड उसके बाद यू हैव टू कम टू दिस पार्ट. प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन. लाइक इट इज़, डज इट हैव अ कोर्ट यार्ड? कोर्ट यार्ड होता है जो पीछे एक खुला स्पेस होता है घर में, दैट इज़ कोर्ट यार्ड. डज इट हैव अ फ्रंट यार्ड? डज इट हैव बैल्कनीज एंड सो ऑन? डज इट हैव टू फ्लोर्स और गराज, बैल्कनी एंड लाइक दैट? तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछेंगे. ये हमारा रीडिंग पैसेज है. अब आते हैं वोकैबलरी पे. इट्स टाइम टू लर्न वोकैबलरी. आई एम गिविंग यू सम पॉइंट्स हियर विच विल हेल्प यू. Now here you can see some of the things. One is shed. Shed is what? A separated building from the house, usually for storing garden tools. घर के साथ में एक और छोटा सा एक घर होता है, एक स्टोर रूम टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड शेड. एक और चीज़ है यहाँ पे, दैट इज लॉफ्ट. लॉफ्ट इज स्पेस इन द रूफ ऑफ द हाउस, यूजली यूज ओनली फॉर स्टोरेज. हम घर में कभी कभी एक छोटा सा रूफ के सीलिंग से थोड़ा सा नीचे एक स्पेस बनाते हैं स्टोरेज के लिए, दैट इज कॉल्ड लोफ्ट. देन एटिक. एटिक दिस रूम इन द रूफ स्पेस ऑफ अ हाउस एंड कुड बी लिव्ड इन. नाउ ये एक छोटा सा रूम बनाया जाता है जहाँ पे एक जो सीलिंग है उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस कवर करके, तो जो रूम है वो एक तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इसमें जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है. तो रूफ स्पेस में एक छोटा सा रूम बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एटिक. इवन पीपल कैन लिव देयर बट इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसमें जो स्पेस होता है, जो ओवरऑल आप लाइक यू कैन नॉट इवन स्टैंड इन दैट. सो आप वो सिर्फ लेटने के लिए या बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो जब कुछ घरों में जहाँ पे स्पेस कम होता है वहाँ पे इसको बनाया जाता है, दैट इज़ एटिक. नाउ देर इज़ वन मोर यू नो यूटिलिटी रूम. नाउ दिस यूटिलिटी रूम इज़ यूजअली फॉर वॉशिंग मशीन, फ्रीज़र एट्सेट्रा. एक और छोटा सा स्पेस होता है उसको रूम नहीं कहते हैं, बट दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी रूम बिकॉज वहाँ पर हम अपना फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह रखते हैं. सो दैट इज़ यूटिलिटी रूम. यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी दैट वी हैव हेयर. नाउ वन इज़ सेलर.
Cellar is the room below ground level without windows used for storage. Cellar और basement दो words हैं, दोनों almost एक ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि basement room below ground level with windows and used for living and working. Basement में windows होते हैं, doors होते हैं proper, और वो रहने के लिए या working के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. But this cellar is only used for storage purpose, so it doesn't have any window and all that. तो दिस इज़ अ डिफरेंस. तो जो बेसमेंट में जो हमारा जो ग्राउंड लेवल होता है उससे भी नीचे जाके जो घर बनाए जाते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर दैट. लैंडिंग, नाउ लैंडिंग इज़ दैट फ्लैट एरिया एट द टॉप ऑफ द स्टेयर केसेस, जहाँ पे हमारी वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जहाँ पे ख़त्म होती है और उसके बाद एक जो एक फ्लैट एरिया आ जाता है जहाँ पे हम चल के फिर हो सकता है वहाँ पे कोई रूम बना हो या फिर कुछ और दरवाज़ा हो, तो उस जो फ्लैट स्पेस को हम कहते हैं लैंडिंग. एक और वर्ड है यहाँ पे पॉर्च. पॉर्च होता है कवर्ड एरिया बिफोर द एंट्रेंस डोर, जहाँ पे हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस होता है तो वहाँ पे एक आगे एक थोड़ा सा एरिया कवर कर दिया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड पॉर्च. इट इज़ अबव विंडोज और अबव डोर लाइक दैट. सो दैट वी हैव. देन इफ वी टॉक देन वी कैन से हियर दिस पेंट्री और लार्डर. पेंट्री इज जनरली इज अ रूम, इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोर रूम, लेकिन जहाँ पे सिर्फ खाना स्टोर किया जाता है, खाने पीने की चीज़ें स्टोर की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेंट्री और लार्डर. तो कई बार ये किचन में ही होता है, एक छोटा सा हम स्टोर रूम बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेंट्री. नाउ टेरेस और पेशियो. पेव्ड एरिया बिटवीन द हाउस एंड गार्डन फॉर सिटिंग एंड ईटिंग. आपने देखा होगा कि कुछ घरों में जहाँ बड़े बड़े हाउसेज होते हैं वहाँ पर कुछ लॉन्स होते हैं, बट बिफोर द लॉन एंड योर हाउस जो घर का जो मेन डोर होता है उसके जो बीच का जो एक स्पेस होता है, एक पक्का कॉन्क्रीटेड प्लेस जो होता है, इट इज़ दैट. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेरेस और पेशियो. टेरेस हम जनरली छत को कहते हैं, बट वो भी इसको भी हम टेरेस ही कहेंगे, जो एक फ्लैट एरिया होता है, कॉन्क्रीटेड होता है, पेव्ड मतलब कॉन्क्रीटेड पक्का बना होता है वो. सो जो आपके गार्डन को या लॉन और हाउस को जोड़ता है, जो बीच का हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड टेरेस और पेशियो. स्टडी और स्टडी रूम आप कह सकते हो. अ रूम फॉर रीडिंग राइटिंग स्टडिंग एट्सेट्रा, दैट इज स्टडी और स्टडी रूम. बैल्कनी, यू नो दैट एन एरिया विद अ वॉल और बार्स अराउंड इट दैट इज जॉइंट टू द आउटसाइड वॉल ऑफ अ बिल्डिंग और एन अपर लेवल. तो जो फर्स्ट फ्लोर पे सेकेंड फ्लोर पे जो एक बाहर की तरफ एक थोड़ा सा स्पेस कवर करके वहाँ पे रेलिंग्स वगैरह लगा के जो बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बैल्कनी. ओपन होता है, बस वहाँ पे थोड़ी सी रेलिंग लगा दी जाती है दैट. सो आप जब इंक्वायरी करेंगे तो आप ये भी पूछ सकते हो कि डज इट हैव अ लैंडिंग और डज इट हैव अ पेशियो टेरेस और डज इट हैव अ पॉर्च लाइक दैट. सो यूज़ दीज वर्ड्स. अब आते हैं एक्टिविटी पे. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं कि आप जब प्रॉपर्टी डीलर से पूछेंगे कि क्या वहाँ पे मॉड्यूलर किचन है, क्या वहाँ पे एलसीडी है, कार पार्किंग फैसिलिटी है, गराज है एंड सो ऑन, बैकयार्ड, बैल्कनी, फर्नीचर लाइक दैट. तो वो जो डज इट हैव हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है. कुछ और भी है यहाँ पे, जैसे इंक्वायर अबाउट अ स्कूल. आपको किसी स्कूल के बारे में पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो कि भाई क्या उस स्कूल में लाइब्रेरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी वाटर फैसिलिटी है या नहीं एंड सो ऑन. उसी तरह से अबाउट अ रेंटेड अकोमोडेशन आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो. पहले हमने घर खरीदने के लिए देखा था और अब हम अगर रेंट पे लेते हैं तो कुछ और चीज़ें पूछते हैं, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. लाइकवाइज व्हेन यू बाय अ मोबाइल और अ कंप्यूटर, यू आस्क दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देयर, बिकॉज उस मोबाइल में या फिर उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछनी है, उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. सो दैट यू विल आस्क के भाई ड्यूल कोर प्रोसेसर, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, i3 है, i5, i7 या फिर ड्यूल कोर प्रोसेसर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लाइक दैट. लाइकवाइज क्या इसमें 4GB रैम है या 2GB रैम है, तो अगेन यू विल से दैट डज इट हैव 4GB रैम और 2GB रैम. देन ग्राफिक कार्ड, ये सारे फीचर्स फ़ोन और जो ये CPU होता है इसके अंदर होते हैं. तो बिफोर बाइंग दैट यू विल आस्क ऑल दैट. हार्ड डिस्क,
हाई क्वालिटी ऑफ मदरबोर्ड, डीवीडी, तो ये सारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के और मोबाइल के, वो आप पूछ सकते हो उसमें. डीवीडी राइटर जो इसमें होता है कंप्यूटर में, दैट यू कैन आस्क कि क्या इसमें डीवीडी राइटर है, उसके अलावा क्या इसकी गारंटी है एंड ऑल दैट. प्राइस भी आप पूछोगे कि यहाँ पे हाउ मच इज़ इट फॉर, डज इट हैव एनी डिस्काउंट और डज इट हैव एनी स्कीम, डू यू हैव एनी ऑफर एंड सो ऑन. सो इट डज इट हैव, डज शी हैव, डज ही हैव, दैट कॉन्सेप्ट वी हैव. एंड अलॉन्ग विद दैट, सो दिस डज ही हैव, डज शी हैव, वी हैव, वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस इट इन मैनी वेज. तो जो ये सारे आप क्वेश्चंस बनाएंगे इन अलग अलग टॉपिक्स पे, उसके बाद हम करेंगे सर्कल टॉक. सर्कल टॉक में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चन बना के दो ग्रुप्स बनाने हैं, दो सर्कल्स बनाने हैं. तो स्टूडेंट्स दो सर्कल में खड़े होंगे यहाँ पे, और जो उनका फेस है वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल. और जो इनर सर्कल है वो मूव नहीं करेगा, वो क्वेश्चंस पूछेगा, और जो आउटर सर्कल है वो आंसर देगा. तो ये जो आउटर सर्कल के स्टूडेंट्स हैं वो मूव करते जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे. उसके बाद फिर विल डू वाइस वर्सा, तो जो इनर सर्कल में स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और बाहर वाले स्टूडेंट्स अंदर आ जाएंगे. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटी वेयर यू कैन प्रैक्टिस इट द वोकैबुलरी एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट. तो डू यू हैव, आपको क्लियर है? उसी तरह से जब आप ग्रॉसरी खरीदते हो, या फिर आप यहाँ पे ग्रॉसरी का भी ले सकते हो, यहाँ पे ग्रीन ग्रॉसर है, ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्जी वाला, तो आप यहाँ पे सब्जियों के लिए पूछ सकते हो डू यू हैव वेजिटेबल्स, जो हमने नाम सीखे थे अलग अलग, डू यू हैव पोटैटोज, टमाटोज, लेडीज फिंगर, बॉटल गर्ड एंड ऑल दैट. तो आस्क क्वेश्चंस, डू यू हैव, डज इट हैव, डज शी हैव, डज ही हैव, लाइक दैट, एंड प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन. सो गुड लक एंड कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग. All the best. See you soon.